हेलो स्टूडेंट्स, कम टू द VVPS ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 7 एडजेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। इन दिस चैप्टर ऑफ लैंग्वेज यू विल स्टडी अबाउट द एडजेक्टिव्स एंड देयर 3 काइंड्स। ओके, नाउ फर्स्ट कम टू द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई और टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। For example, a beautiful girl. Here, the girl is noun and beautiful is adjective, as it is saying something more about the girl. वो बता रहा है कि girl कैसी है? Girl beautiful है. Second example, this woman. This woman, woman is noun here and this is the adjective. This is said to be demonstrative adjective. Next example, my pen. Here, pen is noun. And my is adjective. Bread, some bread. Bread is noun and some is adjective. Four boys. Boys are noun and four are adjectives. Now, come to the demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives point out which person or things are meant. Means, the words demonstrative means pointing out. ये demonstrative adjective ये शो करता है कि हम किस चीज के बारे में और किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसको उसकी तरफ पॉइंट करता है। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चंस विच। विच मींस कौन सा। दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउंस, दीज एंड दोज विद प्लूरल नाउंस। अगर किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में, सिंगुलर थिंग्स के बारे में बात होती है तो उसके लिए दिस और दैट का यूज होता है, और अगर मोर देन वन नाउन या पर्सन के बारे में बात होती है तो दीज एंड दोस का। जो चीज नियरेस्ट होती है उसके लिए दीज, अगर वो थोड़ी सी फार होती है, दूर होती है, तो उसके लिए दोस वर्ड का यूज होता है प्लूरल नाउंस के साथ। क्लियर। दिस मैन इज ब्रेवर देन राज। दिस हेयर इज यूज फॉर ए सिंगुलर noun and that is man. Those mangoes are sour. Those are used for mangoes, as mangoes are more than one, so word those are used. That boy is lazy. Such boys are dangerous. These mangoes are sweet. Yonder house is mine. All these are the demonstrative adjectives which are shown here with red color. Okay, now come to the exercise A. Pick out the correct word from the ones given in the bracket. Now, you have given 2 options in exercise A. You have to choose 1 correct option. Clear? First sentence, what are you reading? Dash days means these days. Aap kya padh rahe hain? In dino. So, these word is used here. Second, dash apples are really delicious. These apples, because apple is plural, so here these will be used. Third sentence, dash call is for an investigation. यहाँ पर call singular है तो यहाँ पर this use होगा। Number 4, that book is more interesting. These girls are very talkative. Those birds are फ्लाई वेरी हाई। आप देख रहे हैं जहां पर मोर देन वन है, मीन्स जहां पर प्लूरल नाउन्स हैं, वहां पर दीज और दोस को यूज किया गया है। नंबर 7, दैट गार्डन इज वेरी वेल केप्ट। दिस सर्वेंट इज वेरी हार्ड वर्किंग। दीज क्वेश्चंस मस्ट बी डन वेल टू पास द एग्जाम। दिस इज अ गुड वे टू इम्प्रेस द पीपल। Okay students, in this way we have completed exercise A of lesson 7 adjective. Now come to the next exercise, and that is based on distributive adjectives. Distributive adjectives are used to refer to each and every person or thing separately, as each man had 3 sons. Each word jo hai pratyek, yani har ek व्यक्ति के लिए जहां यूज किया जाता है वहां पर ईच वर्ड यूज होता है। इधर बुक विल डू। एवरी डे हैज इट्स टास्क। शी टुक नीदर साइट। ऑल दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स।
ओके द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस वर्ड इज दैट दे आर ऑल इन द सिंगुलर नंबर. ये सारे सिंगुलर नंबर्स हैं. इधर मीन्स अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स ओनली. जब आपको दो लोगों के बीच में चॉइस होती है तब वहाँ इधर वर्ड का यूज होता है. नीदर मीन्स नो चॉइस बिटवीन टू थिंग्स. जब दो लोगों के बीच में कोई चॉइस नहीं होती तो वहाँ नीदर वर्ड यूज होता है. इन अदर वर्ड्स इधर मीन्स दिस वन और दैट वन. नीदर मीन्स नॉट दिस वन नॉट दैट वन. क्लियर. नाउ कम टू द एक्सरसाइज बी. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. ईच वर्ड ऑफ इट इज ट्रू. एवरी पेन विल डू. एवरी बॉय इज लाइकली टू पास. ईच चाइल्ड कैरीड अ फ्लैग. ईच बॉय वॉज पनिश्ड. नीदर फॉक इज ऑफ एनी यूज. नंबर एट. ईच वन टीच वन इज अ स्लोगन फॉर एनकरेजिंग लिटरेसी. हेयर ईच वर्ड इज द करेक्ट आंसर. ओके यू शुड राइट हेयर ईच. ईदर यू पार्टिसिपेट और योर सिस्टर विल बी डिसक्वालिफाइड इन दिस गेम. ईच चाइल्ड विल हैव टू पे द फाइन फॉर ब्रेकिंग द स्कूल फर्नीचर. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस वीडियो.